हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्लीट कंडेंस्ड एंड बोन लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलास। तो आपको पता है कि आपने यूज किया है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? लुईस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम डैश स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, या फिर बोन लाइन स्ट्रक्चर को हम यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा लुईस स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वायर टू इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड वायर डैश। तो जब हमारे दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है तो उसको हम डैश के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल डैश क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सिंगल बॉन्ड। डबल डैश क्या रिप्रेजेंट करेगा? डबल बॉन्ड। थ्री डैश क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन हेटेरो एटम्स दे कैन बी और दे कांट बी शोन। मतलब आप उसको जो लोन पेयर्स है आप उसको शो कर भी सकते हो या आपकी मर्जी आप उसको शो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारा इथेन है, इथीन है, इथाइन है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये हमारा इस तरीके से इथेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है। इथीन में यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड जो है वो भी आ रहा है और ये सिंगल बॉन्ड्स है। ये इस तरीके से इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। मीथेनॉल में मीथेनॉल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप? ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो आप ये लोन पेयर जो है ऑक्सीजन के ये दिखा भी सकते हो और जैसे यहाँ पे नहीं है तो आप उसे नहीं भी दिखा सकते। तो ये आपके ऊपर है कि whether you want to show it or not। तो इस तरीके से ये मेथड है कम्प्लीटली अपने स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसको हमने डैश से रिप्रेजेंट किया, सेम इज विद दिस, और इस तरीके से बाकी सभी को हम इलेक्ट्रॉन की जो इनकी शेयरिंग है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। We can also use the condensed formula by omitting some or all the dashes representing the covalent bonds and by indicating the number of identical groups attached to an atom by a subscript। जैसे इथेन है तो पहले इथेन को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? पूरा इस तरीके से, इसका ये कम्प्लीट स्ट्रक्चर था। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारे सारे के सारे covalent bonds हैं उसको हमने हटा दिया। तो अब क्या हुआ कि जितने हमारे ये हाइड्रोजन एटम है उसको हमने सबस्क्रिप्ट के साथ लिख दिया। इससे CH 3 है तो 3 और साथ में फिर से एक और कार्बन है तो उसके साथ 3। तो ये होता है कंडेंस फॉर्मूला। मतलब सारे लाइंस जो डैश है वो रिप्रेजेंट ना करके जस्ट एक उसका कंडेंस फॉर्मूला जो है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। ऐसे ही इथीन, तो इथीन में क्या है, इथीन को वैसे हम ऐसे लिखते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, पर अब अगर हमें इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम इसके ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हटा देंगे। जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम रहने देंगे। तो ये रह जाएगा हमारा यहाँ पे CH2 और यहाँ पे भी हमारा CH2। ऐसे ही इथाइन और मीथेनॉल में हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, इस तरीके से हमारा मीथेनॉल का स्ट्रक्चर था। अब इसमें हम क्या करेंगे, सभी कोवेलेंट बॉन्ड्स को हटा देंगे। कार्बन के साथ यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो ये H3 हो जाएगा और एक OH ग्रुप पूरा लगा हुआ है तो ये OH ऐसे यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से सभी डैश जो है आपके उसको आप हटा दो और इसके बाद आपका जो बाद में स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी दी कंडेंस्ड फॉर्मूला। फिर आता है हमारा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स जो है उसको हम शो नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ लाइंस जो है वो क्या करती हैं, दे रिप्रेजेंट दी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एंड दीज आर ड्रॉन इन अ ज़िगज़ैग फैशन। द ओनली एटम्स रिटन, जो भी यहाँ पे आप इस बोल्ड लाइन नोटेशन में आप जो भी लिखोगे एटम्स वो कौन कौन से होंगे, सिर्फ आपके ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। कार्बन और हाइड्रोजन को आप लाइन से रिप्रेजेंट करोगे, उसको आप लिखोगे नहीं। टर्मिनस जो होते हैं वो आपके मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज दी CH3 ग्रुप्स। व्हाइल द लाइन जंक्शंस
they denote the carbon atoms bonding to the appropriate number of hydrogens that are required for the satisfying the valency of the carbon atoms. तो मैं आपको इसका example दिखाती हूँ, उससे आपको ये बहुत अच्छे से clear हो जाएगा. जैसे ये हमारा यहाँ पे structure है 3-methyl octane का. तो इसका condensed formula ये इस तरीके से हो गया. तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and third पे methyl. So this is the 3-methyl octane. अब हमने क्या किया, हमने इनको lines के through represent किया, मतलब carbon carbon को lines के through attach किया. तो इस carbon के बीच का bond इस तरीके से zigzag manner में हम इसे बनाते गए. अब हमने क्या किया कि हमने जितने भी carbon hydrogen थे वो हमने हटा दिए, सभी carbon hydrogen हटा देंगे. तो जो terminal पे हमेशा होगा हमारा CH3 group पे होगा. तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से हमारा ये final structure आ गया. और ये जो भी हमारी ये terminals है ये क्या हो गए हमारे, ये सब मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे. तो पहले ये हमारा कंडेंस फॉर्मूला था, फिर zigzag manner में हमने शो कर दिया. फाइनली हमने क्या किया कि कार्बन और हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दिया. तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन. नेक्स्ट है इसमें एग्जाम्पल हमारा 2-bromobutane. तो पहले आप इसका कंडेंस फॉर्मूला लिख लो, फिर सभी कार्बन को आपस में जो भी आपके एटम्स अटैच्ड हैं उनको एक zigzag manner में ये अरेंज कर लो. अब क्या करो, सभी के सभी कार्बन हाइड्रोजन को हटा दो और बाकी का जो भी ग्रुप है उसको एज इट इज रहने दो. तो यहाँ पे हमने ये मिथाइल ग्रुप हो गया, दिस इज ऑल्सो मिथाइल ग्रुप, सभी कार्बन हाइड्रोजन हटा दिए, जस्ट ये लाइन्स रह गई. पर ब्रोमीन हमारा इट इज डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पे हमने फिर इसको क्या किया, यहाँ पे एज इट इज रहने दिया. तो इस तरीके से आप बॉन्ड लाइन नोटेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इन द साइक्लिक कंपाउंड्स बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जो है वो आप कैसे लिखोगे, जैसे ये आपका यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन है, दिस इज CH2 CH2 CH2. तो यहाँ पे भी इसको जब आप बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखोगे तो सभी हाइड्रोकार्बन हटा दो, तो इस तरीके से आपका साइक्लोप्रोपेन आ जाएगा. फिर आपका ये साइक्लोपेंटेन है, दिस इज CH2 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 CH2. तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप सारे कार्बन और हाइड्रोजन को हटा दो, तो इस तरीके से ये पेंटेन की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा. सेम इस विद दी क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, तो ये आपका यहाँ पे ऐसे क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन होगा. अब क्या करो, इसमें से आप क्या करो कि सभी हाइड्रोकार्बन को हटा दो और क्लोरीन क्योंकि एक हाइड्रोकार्बन नहीं है तो वो हमारा रिंग के साथ ही अटैच रहेगा. तो इस तरीके से इसका ये नोटेशन हो जाएगा. तो ऐसे आप अपने सेम जैसे हमने अपने ओपन चेन को रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही हम यहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी बॉन्ड नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ कम्स द 3-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो 3D स्ट्रक्चर जो होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ओवर द पेपर बाय यूजिंग सम ऑफ द कन्वेंशन. अगर कोई सॉलिड लाइन है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई डैश लाइन है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज कॉल्ड द वेज फॉर्मूला. द 3D इमेज ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम 2-dimensional पिक्चर कैन बी परसीव्ड. तो यहाँ पे क्या है कि आपको अगर 3D स्ट्रक्चर लिखना है तो उसको आप कैसे बना सकते हो, यूजिंग द 2D स्ट्रक्चर. तो जो आपका ये सॉलिड वेज सिस्टम जो होता है, इट इज यूज टू इंडिकेट द बॉन्ड दैट इज प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर. मतलब आपका ये एक स्ट्रक्चर है, तो ये जो सॉलिड लाइन है इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेपर से बाहर की तरफ आ रही है. डैश लाइन का मतलब है कि दिस लाइन इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे डैश वेज जो है इट इज यूज टू डिपिक्ट द बॉन्ड दैट इज प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन. और ये जो हमारी नॉर्मल लाइंस है इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक प्लेन में है. जैसे आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये आपका यहाँ पे कोई एक ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है जो कि स्कूटर चला रहा है. तो एक ये आपका, या फिर आप ऐसे ले लो कि ये एक स्कूटर है. तो यहाँ जो पर्सन होगा एक हाथ उसका इस तरफ होगा, ये आपका प्लेन है यहाँ पे, और एक हाथ उसका इस तरफ. तो एक हाथ प्लेन के बाहर आ रहा होगा, एक हाथ उसका प्लेन के उस तरफ जा रहा होगा अंदर की तरफ. और दो बॉन्ड इसके कहाँ होंगे, इन
प्लेन. तो इस तरीके से ये आपका होगा. इसको आप इमेजिन करो कि जो डैश वाली लाइन है वो बाहर की तरफ आ रही है और ये वाली लाइन आपसे दूर जा रही है, और ये दो लाइंस क्या है, प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर ही है. तो इसे कहते हैं हम सॉलिड वेज रिप्रेजेंटेशन, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन. फिर आता है यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूलर मॉडल्स. तो जो मॉलिक्यूलर मॉडल्स हैं, दीज आर दी फिजिकल डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर दी बेटर विजुअलाइजेशन एंड परसेप्शन ऑफ दी 3D शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूलर मॉडल्स का आप यूज करके एक 3D शेप जो है अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की आप इजिली देख सकते हो. इसको कैसे बना सकते हैं, यूजिंग द वुड, प्लास्टिक और मेटल, एंड दीज आर कॉमर्शियली अवेलेबल. कॉमनली 3 टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूलर मॉडल्स आर यूज्ड. फर्स्ट इज द फ्रेमवर्क मॉडल, सेकेंड इज द बॉल एंड स्टिक मॉडल, थर्ड इज द स्पेस फिलिंग मॉडल. तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. फ्रेमवर्क मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे only the bonds connecting the atoms of a molecule, these are represented, not the atoms. सिर्फ जो bonds होंगे उसको represent करेंगे, atoms को हम represent नहीं करेंगे. जैसे ये, तो यहाँ पे हमने सिर्फ, जैसे CH4 है अगर हमारा, तो हमने यहाँ पे वैसे क्या है, कार्बन का एटम, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए. तो हमने इनको रिप्रेजेंट, एटम्स को रिप्रेजेंट ना करके सिर्फ जो ये बॉन्ड्स है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है, इनके बीच के बॉन्ड्स को हमने रिप्रेजेंट किया है, दैट इज द फ्रेमवर्क मॉडल. तो ये जो मॉडल है, इट एम्फसाइजेस द पैटर्न ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड इट इग्नोर्स द साइज ऑफ एटम. तो यहाँ सिर्फ आपको एक पैटर्न दिखेगा बॉन्ड्स का, ना कि आपको एटम का साइज. फिर आता है हमारा बॉल एंड स्टिक मॉडल. तो बॉल एंड स्टिक मॉडल में क्या है, यहाँ आपको एटम भी दिखेंगे, साथ में उनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखेंगे. द कंपाउंड्स कंटेनिंग सी डबल बॉन्ड सी, एग्जांपल इथीन, दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द स्प्रिंग इन प्लेस ऑफ स्टिक्स. तो यहाँ पे आप क्या करो कि स्टिक्स की जगह स्प्रिंग ले लो, एंड इसको हम क्या कहेंगे, बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल. फिर आता है स्पेस फिलिंग मॉडल. तो यहाँ पे क्या है, इट एम्फसाइजेस द रिलेटिव साइज ऑफ ईच एटम बेस्ड ऑन इट्स वैन डर वाल्स रेडियस. यहाँ पे हम हर एटम के रिलेटिव साइज को देखते हैं जो कि उसके वैन डर वाल रेडियस पे डिपेंड करता है. बॉन्ड्स जो है यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते. इट कन्वेज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच एटम इन द मॉलिक्यूल. कि एक एटम जो है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. और इसके अलावा हम कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है उसको भी यूज कर सकते हैं फॉर दी मॉलिक्यूलर मॉडलिंग. तो ये हमारे 3 टाइप ऑफ मॉडलिंग है. एक में सिर्फ बॉन्ड्स दिखाए हमने, एटम्स नहीं दिखाए, यहाँ पे एटम के साइज को इग्नोर किया गया. एक में हमने एटम और बॉन्ड्स दोनों दिखाए, और ये हमारा एक मॉडल है जिसमें सिर्फ हमने यहाँ पे साइज ऑफ एटम देखा, कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है उस चीज को हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया. तो इस तरीके से यहाँ पे हमने हमारे मॉडल्स को डिस्कस किया है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. थैंक यू.